नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको एक बीमारी प्रायफिज्म के बारे में बताऊंगा। ये पुरुषों में होने वाली एक बीमारी है। इस बीमारी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और गलत मेडिकेशन का शिकार होकर के अपने हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि प्रायफिज्म क्या कंडीशन है इसके बारे में आपको जानकारी मिल सके और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी आपको जानकारी मिले। और अगर आप इस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं तो इस मेडिसिन का यूज करके प्रायफिज्म को पूरी तरह से आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों प्रायफिज्म क्या होता है? दोस्तों पेनिस में प्रोलॉन्ग इरेक्शन होना और उसमें दर्द बहुत ज़्यादा बना हुआ रहना ही प्रायफिज्म कहलाता है। इसको अगर मैं डिटेल्स में अगर आपको बताना चाहूँ तो इस कंडीशन को आप समझिए कि बिना किसी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के, बिना किसी फिजिकल इंटीमेशन या किसी भी सेक्सुअल कंडीशंस के, बिना किसी सेक्सुअल कंडीशंस के अगर आपका पेनिस प्रोलॉन्ग तनाव में रहता है, आपका पेनिस में हमेशा तनाव बना हुआ रहता है वो भी 4 घंटों तक, और उसके दरमियान आपके पेनिस में बहुत सारे दर्द होने लगते हैं, आपके पेनिस के नसों में दर्द होने लगती है और आप उस दर्द से बेचैन हो जाते हैं 4 घंटे तक, इसी को प्रायफिज्म की कंडीशन कहा जाता है। प्रायफिज्म 2 प्रकार के होते हैं, इस्केमिक प्रायफिज्म और नॉन इस्केमिक प्रायफिज्म। इस्केमिक प्रायफिज्म में ये होता है कि जो आपके पेनिस में जो नसें होती है उसमें जो ब्लड का जो फ्लो होता है इस्केमिक प्रायफिज्म में, वो ब्लड का फ्लो वहीं पे रुक जाता है, आपकी नसों में रुक जाता है, जिसके कारण आपको दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है। और नॉन इस्केमिक प्रायफिज्म में ये होता है कि ब्लड का फ्लो एबनॉर्मल हो जाता है, यहाँ तक कि आपको ऐसा कंडीशन हो जाता है कि आपको सर्जरी के थ्रू वहाँ से ब्लड निकलवाना पड़ता है, तब आपको दर्द से आराम मिलता है या आपको पेन किलर लेना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे इसके टाइप्स। कारणों की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ब्लड का फ्लो जो होता है एबनॉर्मल होता है प्रायफिज्म में, जिसके कारण प्रोलॉन्ग इरेक्शन की कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा और भी कोई कारण अननोन है, अभी तक कंफर्म कॉजेज नहीं है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में यही देखने को मिलता है कि प्रोलॉन्ग इरेक्शन रहता है 4 घंटे तक और पेनिस में दर्द बना हुआ रहता है, जिसके कारण आप बेचैन हो जाते हैं, रेस्टलेसनेस की कंडीशंस आप में देखने को मिलता है। दोस्तों प्रायफिज्म उस कंडीशन में ज़्यादा भयावह हो जाती है जब आप दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण आपको पेन किलर्स लेनी पड़ती है। बिना किसी फिजिकल इंटीमिटेशन या बिना किसी मन में सेक्सुअल एक्टिविटीज़ लाए वगैरह ही अगर आपके पेनिस में अगर आपको तनाव हो रहा है, हमेशा ऐसा लगता है कि आपका पेनिस इरेक्ट के कंडीशंस में है, 4 घंटे तक ऐसे लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप रात में सोए हुए हैं और आपका पेनिस इरेक्ट हो गया, आप नींद से जग जाते हैं। इसके अलावा आप कहीं जाते हैं, किसी फंक्शन पार्टी में अटेंड करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका ये कंडीशन हो जाता है, जो कि आपको अनईजी फील हो जाता है। तो उस कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन थाइमोल, दोस्तों थाइमोल 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह शाम आपको लगातार 1 महीने तक आपको लेनी है, ये प्रायफिज्म को पूरी तरह से ठीक कर देगा। इसके अलावा आप इसमें कैंथेरिस मदर टिंचर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों कैंथेरिस मदर टिंचर भी प्रायफिज्म को ठीक करने की बहुत अच्छी औषधि है। दोस्तों ये दोनों मेडिसिन थाइमोल 200 और कैंथेरिस मदर टिंचर आप यूज कीजिए और अपनी प्रायफिज्म की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ कि मेडिसिन कैसे लेनी है। थाइमोल 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह शाम लेनी है और कैंथेरिस मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद सुबह शाम आपको लेनी है। दोनों मेडिसिन का गैप 1/2 घंटे का होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रायफिज्म के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी और इस जानकारी से आप लाभान्वित ज़रूर होंगे, और आपकी अगर इस तरह की कंडीशन है तो आप इस मेडिसिन से आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन आप बिना किसी चिकित्सक के सलाह से ना लें।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा कुछ नई टॉपिक्स में, कुछ जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।